हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बड़ी खबर ये है कि तेलुगु सुपरहीरो फिल्म हनुमान का ट्रेलर आने वाला है। हनुमान फिल्म तब सुर्खियों में आई थी जब इसके पहले टीजर को रिलीज किया गया था। ये वो समय था जब आदि पुरुष के टीजर को कुछ ही दिनों पहले रिलीज किया गया था। जहां 700 करोड़ के वजन बनी आदि पुरुष के टीजर ने सबको निराश कर दिया था, वहीं हनुमान के टीजर ने लोगों को काफी इंप्रेस किया था, क्योंकि हनुमान के टीजर में बेहतरीन विजुअल वीएफएक्स के साथ खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी देखने को मिली थी। और टीजर को देखकर लग रहा है कि ये काफी अलग फिल्म होगी जिसमें हमें एक इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलेगी। तो अब हनुमान का ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है जो 19 दिसंबर यानी कि आने वाले मंगलवार को रिलीज होगा। अच्छा, मंगलवार को ही ये ट्रेलर क्यों आ रहा है तो ये मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन बनी ये फिल्म एक सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें तेजा सज्जा हनुमान जी के अवतार में नजर आएंगे। ये प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म होगी जो 12 जनवरी 2024 को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी और हिंदी में भी रिलीज होगी। बाकी ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को इंग्लिश, जापानीज, कोरियन और चाइनीज में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, कहा तो गया है, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीनों लोक में सबसे बलशाली महावीर हनुमान का रक्त रतन सहस्त्र वर्षों से प्रतीक्षा में है। जब सालार की नई रिलीज डेट 22 दिसंबर अनाउंस की गई थी तो उस समय सोशल मीडिया पर यह खबर काफी वायरल हुई थी कि सालार के प्रोड्यूसर को ज्योतिषी ने कहा है कि उनको ये फिल्म 22 दिसंबर को ही रिलीज करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि प्रोड्यूसर विजय करंगदूर के लिए शाहरुख खान काफी लकी हैं और इसलिए वो अपनी फिल्म 22 दिसंबर को लेके आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जीरो और केजीएफ क्लैश हुई थी जिसमें केजीएफ हिट हो गई थी। जब प्रोड्यूसर विजय करंगदूर से इस बारे में पूछा गया कि क्या ये खबर सही है कि सालार की रिलीज डेट ज्योतिषी से पूछ कर रखी गई है, इस पर विजय करंगदूर कहते हैं कि हम पिछले 10-12 साल से ऐसे ही रिलीज डेट फाइनल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और इसी वजह से सालार की रिलीज डेट 22 दिसंबर तय की गई है। तो अब देखना ये होगा कि सालार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। क्या ये फिल्म केजीएफ की तरह बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी, यह हमें 22 दिसंबर को पता चलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप सालार की रिलीज डेट के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। रजनीकांत की आने वाली फिल्म थलारू 170 का टाइटल टीजर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप रजनीकांत को डैशिंग लुक में देख सकते हैं। थलारू 170 का टाइटल वेट्टायन है जिसे अभी टीजे ग्रानवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल कन्फर्म हो गया है लेकिन अभी इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। पर रजनीकांत की ये फिल्म समर 2024 में रिलीज होगी। खुरी वेच्चा येरे वुलनु। और कल्याण राम की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म डेविल का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। डेविल की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है जिसमें कल्याण राम उसी मर्डर की तहकीकात करते हुए नजर आएंगे। ट्रेलर काफी अच्छा है जिसमें एक्शन से भरी एक इंटरेस्टिंग कहानी नजर आ रही है। साथ ही ट्रेलर के विजुअल और वीएफएक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो डेविल का ट्रेलर अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। कल्याण राम की ये फिल्म 29 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आदिवी शेष की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है जिसमें श्रुति हसन फीमेल लीड में नजर आएंगी। इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट किया जाएगा जिसे सनम और गोदाचारी के सिनेमेटोग्राफर शानेल देव डायरेक्ट करेंगे। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस एक्शन फिल्म से जुड़ी और अपडेट आने वाली है। इस अनटाइटल फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2024 एंड या फिर 2025 के शुरू में रिलीज होगी। फाइटर फिल्म से करण सिंह ग्रोवर का फर्स्ट लुक सामने आया है। करण सिंह ग्रोवर फाइटर फिल्म में स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल के कैरेक्टर में नजर आएंगे। फाइटर का टीजर तो आप सबने देखा ही होगा। ट्रेलर से जुड़ी अभी कोई अपडेट नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है कि फाइटर का ट्रेलर जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज होगा और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। खबरों की माने तो आलिया भट्ट और डायरेक्टर हंसल मेहता के बीच एक बायोपिक फिल्म को लेकर बात चल रही है। ये एक बायोपिक ड्रामा फिल्म होगी जिसमें आलिया भट्ट एक न्यूज प्रेजेंटर के रोल में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि दोनों इस फिल्म को बनाने में काफी इंटरेस्टेड हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाए। तो आलिया भट्ट की एक और फिल्म आने वाली है जिसे जाने माने डायरेक्टर हंसल मेहता डायरेक्ट करेंगे। पंचायत सीरीज के एक्टर जितेंद्र कुमार की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है ड्राई डे। ड्राई डे एक सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें जितेंद्र कुमार के साथ श्रिया पिलगांवकर और अनु कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। जितेंद्र कुमार की ये फिल्म 22 दिसंबर को अमेजोन प्राइम पर रिलीज होगी। जी हाँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर 21 और 22 दिसंबर को इतनी सारी फिल्में क्यों आ रही हैं? क्या कोई और रिलीज डेट नहीं है क्या?
हॉलीवुड की स्लैशर थ्रिलर फ्रेंचाइज सौ की 11वीं फिल्म भी आने वाली है। सौ की 10वीं फिल्म यानी कि सौ एक्स अभी सितंबर में रिलीज हुई थी, जिसे आईएमडीबी पर 6.6 की रेटिंग मिली है। तो इसकी अगली फिल्म आने वाली है जो कि 2024 में रिलीज होगी। अभी इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म 27 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। क्या आपने सौ की पिछली फिल्म सौ एक्स को देखा है? अगर देखा है तो वो फिल्म आप सबको कैसी लगी थी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।